बाद तीन ऑप्शन है ओवर जॉइंट, वेरी सैड, जुबिलियन एंड सैड। तो पता है अगर लेसन आपने ध्यान से उसका एक्सप्लेनेशन सुना होता ना, तो उसमें ये था जुबिलियन एंड सैड। वो सैड क्यों हो गए थे कि अब कोई और ऐसा एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा माउंटेन नहीं बचा कि जिसके ऊपर मैं क्लाइंबिंग करूँ, तो उसकी वजह से वो सैड। ओके, तो आंसर है आपका जुबिलियन एंड सैड। नेक्स्ट है वो भी एमसीक्यू टाइप है। द इमोशन दैट ग्रीट ही वॉज वन ऑफ द विक्ट्री ओवर हर्डल्स, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपोर्टेंस, जॉय ऑफ डिस्कवरी। तो आपका राइट आंसर है द इमोशन दैट ग्रीट ही वॉज वन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। नेक्स्ट जो है इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है। द स्मिथ ऑफ द माइंड, हमारे माइंड के अंदर भी है ना, द स्मिथ ऑफ द माइंड रिफर्स टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। आपके पास टेक्स्ट बुक है, अगर है तो पैनल की वजह से ऊपर कीजिए, है ना, पेज नंबर 18 पे है, उसमें सारे ऑप्शन है ना, लास्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो अब सारे ऑप्शन में रीड कर रही हूँ। द स्मिथ ऑफ द माइंड रिफर्स टू फर्स्ट ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, सेकेंड द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ओवरवेलमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, लिविंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, द ड्राइव ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली रीजन फॉर अ नोबल कॉज। एंड आपका सिक्स्थ ऑप्शन है वो राइट है, अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, उसे बोलते हैं स्मिथ ऑफ द माइंड। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका पेज नंबर 81 टेक्स्ट बुक का पेज 81, इसके अंदर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स लाइफ। आंसर है द थ्री क्वालिटीज दैट एंश्योर द सक्सेस ऑफ द ऑथर वेर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तीन चीजों से प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लीजरेबल। एडवेंचर हमेशा रिस्की होता है तो वो आनंददायक कैसे हुआ। व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लीजरेबल। आंसर है माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ ग्रेट एडवेंचर बट इज ऑल्सो रिस्की। इट इज अ ग्रेट चैलेंज एंड डूइंग अ चैलेंज जॉब इज इन इटसेल्फ प्लीजरेबल। इट गिव्स इमेंस जॉय ऑफ द डूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरेसिस्टिबल। आंसर है ओके क्वेश्चन की तरह हूं व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरेसिस्टिबल, जो रोक नहीं पाया सर। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर बिकॉज इट इज द हाईएस्ट द माइटीएस्ट and has defied many previous attempts, it takes the last ounce of one's energy. Next after question hai what does one do it for fame alone, what does one do it for really, matlab kisi fame ke liye yahan aaye प्रतिष्ठा के लिए कि मैंने माउंट एवरेस्ट जो है वो क्लाइम कर लिया है तो क्या सिर्फ उसी के लिए चला जाता है या फिर कुछ और था। मतलब वन डज नॉट डू, यस वन
it for fame alone? Why does one do it for real? Answer hai, conquering Sumi is a great physical achievement. But more than that, it gives the climber the emotional and spiritual satisfaction. It satisfies man's eternal love for adventure. Next question hai, inverted comma mein hai. देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स इन्वर्टेड कॉमा ओवर फुल स्टॉप दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ Which is the emotion? Answer है that emotion is humility. अपने आप को छोटा समझना. Okay. सिर्फ one line answer है that emotion is humility. Next question. What was the symbol of reverence left by members of the team on Everest? We will very soon meet in our next